influence of Saint Thirunavukkarasar अलियास अपार। जब आप पढ़ेंगे भक्ति और भक्ति ट्रेडिशन तमिलनाडु में, तो आपको अपार वगैरह के बारे में पता चलेगा। तो ये शैव थे और इन गुरु का नाम था थिरुनवुकरसार, मतलब अपार। और इन्होंने तिरुवदी में एक टेम्पल बनाया शिव जी का। इसके अलावा उन्होंने अपने कुछ नाम लिए, इम्पॉर्टेंट है, गुणभार, सत्यसंध, चित्तकारी। चित्तकारी मतलब होता है बिल्डर ऑफ टेम्पल्स। चित्र करपुली, चित्र मतलब चित्र है ना, तो वो पेंटिंग करते थे बहुत अच्छी। विचित्र चित्ता मतलब विचित्र प्रकार के वो चित्र बनाते थे। और मत्त विलासा, मत्त विलासा मतलब एक्चुअली मत्त मतलब यहाँ मदिरा है, विलास मतलब मजे करना है। तो मतलब एक्चुअली इन्होंने एक बुक लिखी थी मत्त विलास प्रहासनम, तो इसलिए उनका नाम मत्त विलासा दे दिया। तो ऐसा मत सोचिए कि अपने खुद को शराबी बोलते थे। तो चित्तकारी, बिल्डर ऑफ टेम्पल, चित्र करपोली, चित्र बनाने वाला, विचित्र चित्ता, क्लियर है, मत्त विलासा बुक के नाम पे, सत्य संधा और गुणभार। ही वॉज ए ग्रेट बिल्डर ऑफ केव टेम्पल्स, पहले ही बताया केव टेम्पल बनाते थे। और कुछ लोकेशंस हैं मंडकपट्टू इंस्क्रिप्शन, उनमें उनको विचित्र चित्त बोला गया है। और इन्होंने ब्रह्मा विष्णु शिवा सबके बनाए, लेकिन ब्रिक यूज नहीं किया, टिम्बर यूज नहीं किया, मेटल यूज नहीं किया, मोर्टर यूज नहीं किया, इसीलिए विचित्र चित्र बोलते हैं इनको। रॉक कट टेम्पल्स बनाए और कई जगह पे बनाए, वल्लम में, महेंद्रवदी में, दलावनूर में, पल्लावरम में, मंडगपट्टू में, तिरुचरापल्ली में, ये लोकेशन देख लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे इन्होंने बनाए हैं। तिरु ये रहा मंडगपट्टू टेम्पल, ये देखो आप मंडगपट्टू टेम्पल पूरा ये रॉक कट है, केव में बनाया हुआ है। कहाँ पे पड़ता है? विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा ये देखो आप वल्लम रॉक कट टेम्पल, सीधा सीधा रॉक कट है, वल्लम थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाएगा। और महेंद्रवर्दी, अपने नाम पे ही डाल दिया महेंद्रवर्दी केव टेम्पल, ये देखो आप वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाएगा। ऐसे होते थे। दलावनूर भी देख लेते हैं, ये रहा दलावनूर पूरा, आप देख रहे हो ये पूरा रॉक कट है। पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन वन ने बनाया था, फर्स्ट केव टेम्पल था तमिलनाडु का, एक्सकवेटेड बाय उनका। ये भी क्लियर हो गया आपको, ये सब भी है। कुडू कुडू मियाँ मलाई, ये सब भी उन्होंने बनवाया था। ये तिरु वदिगाई टेम्पल, थोड़े नाम डिफरेंट होते हैं, कभी कभी मिस्टेक्स कर जाता हूँ, माफ करिएगा। अच्छा तो मंडकपट्टू इंस्क्रिप्शंस, विचित्र चित्र बोले गए, ब्रह्मा विष्णु के और शिव के टेम्पल्स बनाए, रॉक कट बनाए, वल्लम, महेंद्रवर्दी, दलावनूर, पल्लावरम, मंडकपट्टू, तिरुचिरापल्ली, ये सब हमने देख लिया। और उनके जो थे, एक बुक है फेमस, संस्कृत में है, याद रखना संस्कृत में है, मत्त विलास प्रहासनम। मत्त विलास मतलब होता है शराब पी के एकदम अड्डे पे मस्त हो जाना, और प्रहासनम का मतलब है ड्रामा। ये एक सार्केस्टिक जो है किताब उन्होंने लिखी थी, क्यों बताता हूँ। अब वहां पे क्या था कि ये तो हिंदुइज्म के थे प्रवर्तक, और उस टाइम पे वहां पे जैनिज्म और बुद्धिज्म भी था, और बाकी कुछ लोग भी थे, काल कपाल वाले भी लोग थे। तो क्या होता है कि एक काल कपाली वाला इंसान था, वो क्या था कि मतलब एक कपाल में पूजा करता था अपनी। और आपको पता होगा कि बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, वो भी भिक्षाटन के लिए मतलब ये नारियल वगैरह में भिक्षाटन करते हैं, मांगते हैं। तो ये बोलते हैं कि अरे इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। वो झगड़ा ऐसा हो गया कि जो कपाल वाला था वो बोलता है कि जो मेरा कपाल था उसमें ये बौद्ध भिक्षुक जो है भीख मांग रहा है। दोनों के बीच लड़ाइयां हो गई, तो वो उनका मजाक उड़ा रहे थे कि ये कैसा रिलीजन है कि मतलब एक तो कपाल रखे हुए और एक भीख मांगता है, दोनों को उन्होंने मिक्स कर दिया, तो मत्तविलास प्रहासनम आ गया। ये उनको मत्तविलास बोल रहे हैं एक्चुअली, और खुद का नाम भी बाद में ले लिया। अच्छा, हिज टाइटल चित्र कर्पूरी रिवील्स हिज टैलेंट्स इन पेंटिंग, क्लियर, वेरी क्लियर। म्यूजिक में भी एक्सपर्ट थे। अच्छा, अभी मैंने आपको कुडुमिया मलाई दिखाया ना, कुडुमिया मलाई में इनके पेंटिंग के, सॉरी, म्यूजिक के नोट्स वगैरह मेंशन किए गए हुए हैं कुडुमिया मलाई में। उनके बाद उनके बेटे आए नरसिम्हा वर्मन वन, उन्होंने रूल किया था, इनके पिताजी ने, महेंद्र वर्मन वन ने, 600 से 630 एडी तक, और नरसिम्हा वर्मन वन ने रूल किया 630 से 680 एडी तक। नरसिम्हा वर्मन वन जो थे उन्होंने अपने आप को मम्मला नाम दिया, क्यों? क्योंकि वो, आप मल्ल युद्ध से याद रख लो, मम्मला विच हु वॉज ग्रेट रेसलर,
अब ग्रेट रेसलर क्यों बोला जा रहा है, मतलब ऐसे नहीं जाके वो मल्लयुद्ध करने लगते थे रेसलर, इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि महेंद्र वर्मन वन का जो कांचीपुरम का जो एरिया था पललूर, वहां पे कब्जा कर लिया था पुलाकेशिन टू ने। तो इस बात का चालुक्या डायनेस्टी से, जिसकी कैपिटल है वातापी बादामी में, उस पे कब्जा करना था नरसिम्ह वर्मन वन को, अपने पिताजी का बदला लेना था। तो उन्होंने क्या किया, पुलाकेशिन टू पे अटैक कर दिया, और मणिमंगलम नियर कांची एक जगह है, वहां पे लड़ाई हुई मणिमंगलम, और ये कुर्रम नाम की जगह है तमिलनाडु में, वहां के कॉपर प्लेट्स में इसका मेंशन है कि पुलाकेशिन टू को नरसिम्ह वर्मन वन ने मणिमंगलम नियर द कोची हरा दिया। अब हराया ही नहीं, खदेड़ा पूरा। द पल्लवा आर्मी अंडर जनरल परंजोती परस्यूड द रिट्रीटिंग ऑफ द चालुक्य आर्मी, एंटर्ड चालुक्य टेरिटरी, कैप्चर्ड एंड डिस्ट्रॉयड द कैपिटल ऑफ वातापी बदामी, उस पे कब्जा कर लिया और पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। नरसिम्ह वर्मन वन ने उसके बाद अपना अपना नाम क्या दिया होगा, ऑब्वियस है, वेरी ऑब्वियस, वातापी कुंडा, क्योंकि वातापी पे कब्जा कर लिया और रिगेन द लॉस्ट टेरिटरी। कहाँ वाला, पललूर वाला, कांचीपुरम वाला। अनादर नोटेबल अचीवमेंट क्या है नरसिम्हा वर्मन वन का, कि उन्होंने नेवल एक्सपेडिशन भेजा था श्रीलंका में अपने एक फ्रेंड को, मना वर्मन को बचाने के लिए, उसका मतलब रूल रीएस्टैब्लिश करने के लिए। अच्छा, ड्यूरिंग हिज रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जुएन जांग जो था वो पल्लव कैपिटल कांचीपुरम में आया था। जुएन जांग पढ़ने लिखने में बहुत इंटरेस्ट रखता था, तो वो साउथ में चला गया, और भले ये हिंदुइज्म के प्रवर्तक थे लेकिन सबको बढ़ावा देते थे, कन्फ्लिक्ट नहीं था ऐसा, ज्यादा से ज्यादा सार्केस्टिक हो रहे थे वो मत विलास पर आसनम में, बट दैट्स इट। तो पल्लव कैपिटल जो थी कांचीपुरम, वहां पे ज्वेनजांग आया किसके टाइम पे, नरसिम्ह वर्मन वन के टाइम पे, यही इंपॉर्टेंट होता है, किसके टाइम पे कहाँ पे आया, तो कांचीपुरम में आया। और वो बोलता है कि बहुत विविड सिटी थी, बहुत जबरदस्त सिटी थी, और बोला कि ब्यूटीफुल सिटी है, 6 माइल्स इन सरकमफेरेंस है, 100 बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज बने हुए हैं, 10,000 बुद्धिस्ट मॉन्क रह रहे हैं, और उसने बोला कि कांची जो थी लर्निंग के लिए और स्टडी के लिए बहुत अच्छी जगह थी। साउथ में जो स्टडी और लर्निंग की प्लेस होती है उसको घटिका बोला जाता है एंशियंट इंडिया में, घटिका। तो घटिका में पढ़ाई हो रही थी कांची में, वहां पे आके उसने भी पढ़ाई की और बोला कि बहुत सही जगह है, सबको पढ़ना चाहिए चाइना से आके। तो यहाँ इधर नालंदा था, तक्षशिला था, उधर घटिका था, बट घटिका कोई मतलब पार्टिकुलर जगह का नाम नहीं है, उस सिस्टम का नाम है। नरसिम्हा वर्मन वन वॉज द फाउंडर ऑफ ममल्लापुरम, अब अपने नाम पे डाल दिया ना ममल्लापुरम, एंड द ममल्लापुरम इज महाबलीपुरम, ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज, ममल्लापुरम एंड महाबलीपुरम आर सेम। इन्होंने, इनके पिताजी ने, महेंद्र वर्मन वन ने महाबलीपुरम नहीं बनाया है, मम्मला ने, मतलब नरसिम्हा वर्मन वन ने ममल्लापुरम बनाया है महाबलीपुरम, और यहाँ पे इन्होंने मोनोलिथिक रथास बनाए, देखो थोड़ा सा काम किया है, दैट्स इट, ज्यादा नहीं किया, मोनोलिथिक रथास बनाए कुछ। उसके बाद इनके कुछ बेटे हुए, उन्होंने थोड़ा थोड़ा रूल किया, बट बाद में इनके बेटे नहीं है ये, नरसिम्हा वर्मन टू है राजसिम्हा, इनका रूल खत्म हो गया था नरसिम्हा वर्मन वन का 668 AD पे, उसके बीच में थोड़ा सा गैप हुआ है, और 695 AD से लेके 722 AD तक, मतलब कि 27 साल किसने रूल किया फिर से, नरसिम्हा वर्मन टू ने, जिन्होंने आपको अपने आप को लायन अमंग द किंग्स बोला है राजसिम्हा। नरसिम्हा वर्मन वन वॉज सक्सीडेड बाई महेंद्र वर्मन टू, परमेश्वर वर्मन वन, एंड द पल्लवा चालुक्य कंफ्लिक्ट कंटिन्यूड ड्यूरिंग दिस रेन। देयर आफ्टर नरसिम्हा वर्मन टू बिकेम द रूलर ऑफ पल्लव किंगडम, ही वॉज ऑल्सो नोन एज राजसिम्हा। उनका रेजिम थोड़ा पीसफुल था, लड़ाइयाँ कम हुई थी, क्योंकि उनको आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्ट था। तो जो महाबलीपुरम या ममल्लापुरम की इस्टेब्लिशमेंट कर दी नरसिम्हा वर्मन वन ने, उसको बढ़ावा दिया नरसिम्हा वर्मन टू ने, नरसिम्हा वर्मन वन ने वहां पे मोनोलिथिक रथास बनाए थे, लेकिन पूरा का पूरा जो शोर टेम्पल है ममल्लापुरम का, महाबलीपुरम का, और एक कांचीपुरम में कैलाशनाथ टेम्पल है, कैलाशनाथ मतलब शिव जी, तो शिव भक्त थे ये भी, ये दोनों को नरसिम्हा वर्मन टू ने बनाया इन दिस पीरियड। अच्छा, ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लेटर्स थे, ये सबको पता है। संस्कृत का स्कॉलर एक था डांडिन, डांडिन जो था इन्हीं के कोर्ट में रहता था। इसके अलावा उन्होंने चाइना में अपनी एम्बेसीज भेजी और ट्रेड वगैरह किया, बहुत पीसफुल था। राजसिम्हा ने अपना खाली नाम नरसिम्हा वर्मन टू के अलावा राजसिम्हा ही नहीं रखा, इन्होंने अपने आप को शंकर भक्त बोला, क्यों, क्योंकि ये कैलाशनाथ टेम्पल बना रहे कहाँ पे, कांचीपुरम में, शंकर भक्त बोला, वद्य विद्याधर बोला, और आगम प्रिया बोला। आगम प्रिया का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, वेदज वगैरह के स्टडी में आगम और निगम शब्द हैं, निगम तो जनरली वेदज को ही बोल देते हैं, आगम का ये मतलब है, वर्ड से आपको पता चलेगा कि आपके पूर्वजों ने जो आपको कल्चर, हिस्ट्री और जो वेद शास्त्र वगैरह सिखाया है, जो स्क्रिप्चर्स हैं,
जो ऊपर से नीचे की ओर फ्लो हो रहे हैं पीढ़ियों दर पीढ़ियों, उसको आगम बोलते हैं। तो इनको स्क्रिप्चर्स वगैरह में, वेद वगैरह में इंटरेस्ट है, इसलिए इनको आगम प्रिया बोला जाता है। ठीक है, वद्य विद्याधर भी बोलते हैं। ही वॉज सक्सीडेड बाई परमेश्वर वर्मन टू एंड नंदी वर्मन टू, नॉट इम्पॉर्टेंट। द पल्लव रूल लास्टेड टिल द एंड ऑफ द 9th century AD, रट चुके हैं। द चोला किंग वन, चोला किंग किसने हराया था लास्ट में इनके वारिस को? चोला किंग आदित्यवन ने हराया था लास्ट पल्लव रूलर रूलर अपराजिता को। देखो कितना सही है याद रखने के लिए, नाम था अपराजिता लास्ट पल्लव रूलर का, लेकिन वो पराजित हो गया चोला के आदित्यवन से और कांची रीजन चला गया पूरा चोल में। विद दिस द रूल ऑफ पल्लव डायनेस्टी केम टू एन एंड। अब थोड़ा कुछ बैटल ऑफ पुल्लालूर के बारे में थोड़ा सा है, कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है। आप तो बता ही दिया आपको कांचीपुरम में पड़ता है, और इसमें महेंद्र वर्मन वन जो थे वो हार गए थे पुलाकेशिन टू से, चालुक्य किंग था वो। ये भी हो चुका है। कुर्रम कॉपर प्लेट है वो इम्पोर्टेंट थी, हो चुकी हैं। ममल्लापुरम देख लेते हैं, बहुत सही जगह है ममल्लापुरम। और महाबलीपुरम चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में आता है तमिलनाडु में, ये रहा महाबलीपुरम या ममल्लापुरम। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, शोर टेम्पल आता है यहाँ पे। जो एक बार मार्को पोलो आया था तो ही सेड कि यहाँ पे ना 7 pagodas है, मतलब 7 temples बने हुए हैं। अब क्या कंडीशन है कि माना जाता है, मे बी मिथ भी हो सकता है, कि 6 जो है वो बे ऑफ बंगाल में डूब गए, एक ही बचा है। अच्छा, थोड़े से सबूत मिले थे जब 2004 का जब सुनामी आया था, तो वहाँ पे थोड़े थोड़े और भी कुछ मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज मिले, कुछ और जैसे कि मूर्ति मिल गई, तो उसे लगता है अंदाजा कि शायद सही में मार्को पोलो ठीक था, 7 pagodas थे यहाँ पे। अच्छा, ये पूरा ममल्लापुरम जो सारे ग्रुप ऑफ हिंदू मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे पूरे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। तो शोर टेम्पल की खास बात करेंगे, शोर टेम्पल यहीं पे है, सो नेम्ड बिकॉज इट ओवरलुक द शोर ऑफ बे ऑफ बंगाल। स्ट्रक्चरल टेम्पल है ये, ग्रेनाइट से बनाया गया है, इसीलिए जब सुनामी भी आया तो इसको बहुत अफेक्ट नहीं कर पाया, बहुत स्ट्रांग है। 8th century AD में बना था, किसके टाइम पे? नरसिम्हा वर्मन टू के नाम पे, नरसिम्हा वर्मन टू ऑफ पल्लव डायनेस्टी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। शोर टेम्पल कॉम्प्लेक्स एकदम बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है। हिस्ट्री वगैरह के बारे में नहीं देखेंगे, पगोड़ा वगैरह बोला था इसको, पगोड़ा बोला था, 7 pagodas किसने? मार्को पोलो ने, ये रहा मार्को पोलो, वो तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहाँ का आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शोर टेम्पल ये रहा, बहुत सुंदर जगह है। गोपुरम जो दरवाजे होते हैं बीच बीच में बने हुए टेम्पल आने के पहले लंबे रास्ते में, साउथ में उसको गोपुरम बोलते हैं। शिव पार्वती की ये एक डिएटीज की एक मूर्ति है, एक मिनिएचर श्राइन बना हुआ है, दुर्गा ऑन ए लायन ये भी है, और विष्णु की भी इमेज है, और स्टोन के स्कल्पचर कुछ और बने हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ तो है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लायन मोनोलिथ बना हुआ है। अच्छा, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स में चले जाते हैं यहाँ पे, और कुछ मिलेगा? हाँ ओके, यहीं पे है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स में। यहाँ पे क्या क्या मिलेगा? गणेश रथ है, केव टेम्पल, डिसेंट ऑफ द गंगेज जो है ना, डिसेंट ऑफ द गंगेज में ये कन्फ्यूजन है कि वाकई में ये डिसेंट ऑफ द गंगेज है शिव से, या फिर ये अर्जुनास पेनेंस है, तो ये दोनों एक ही मूर्ति है, थोड़ा कन्फ्यूजन है। अर्जुनास पेनेंस आपको कहाँ मिलेगा? यही शोर टेम्पल पे मिलेगा, डिसेंट ऑफ द गंगेज भी वहीं पे आपको मिलेगा। और रथास बने हुए हैं ढेर सारे, इम्पॉर्टेंट, इट्स इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। रथा टेम्पल्स दिख रहा है, धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन एंड द्रौपदी रथ, पूरा हिंदुइज्म का है। हाँ, पंचरथास, ये बुल स्कल्पचर मिल जाएगा आपको यहाँ पे। केव टेम्पल्स भी हैं, वराह की इमेज मिल जाएगी, बोर वराह की इमेज मिल जाएगी आपको यहाँ पे, और धर्मराज की, महिषासुर मर्दिनी की मिलेगी। स्ट्रक्चरल टेंपल में शोर टेंपल पूरा का पूरा, नंदी टैंक बना हुआ पानी के लिए, साउथ इंडियन टेंपल का आर्किटेक्चर का ये खूबी है। दुर्गा, सोमस्कंद, कपल का रिलीफ भी है। अच्छा हाँ, ये है रॉक रिलीफ्स कुछ बनी हुई है, बहुत सुंदर है ये, देख के समझ में नहीं आता। द डिसेंट ऑफ द गंगेज ऑल्सो नोन एज अर्जुनास पेनेंस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट रिलीफ्स इन द एशिया एंड नैरेट सेवरल हिंदू मिथ्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसेंट ऑफ द गंगेज,
और कुछ यहाँ पे प्रेइंग कैट वगैरह का भी है कुछ ऐसा कंफ्यूजन, मैं एक बार देख लूंगा। और उसी के पास पास में कांची का कैलासनाथ टेम्पल है, कांची थोड़ा अंदर आ जाता है और वो शोर टेम्पल बिल्कुल किनारे पे है, तो वो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कांची का कैलाशनाथ टेम्पल वो भी बनाया था, कैलाशनाथ को बनाने वाला वो महेंद्र वर्मन, सॉरी नरसिंह वर्मन वन ने बनाया था शायद, एक बार देख लूँ। पल्लव डायनेस्टी राजसिम्हा, सॉरी नरसिंह वर्मन टू ने ही बनाया था। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पल्लवाज। पल्लवाज की एक वेल रिकग्नाइज्ड आर्मी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, और जो पूरा जो स्टेट था वो राजा के द्वारा कोट्टम में डिवाइडेड था। और कोट्टम के लिए एक अपॉइंटमेंट होती थी हर कोट्टम के लिए, वो राजा करता था, है ना, कोट्टम का प्लूरल कोट्टम्स। और किंग जो था वो सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था और उसको मिनिस्टर्स उसके असिस्ट करते थे। एक रेगुलर आर्मी थी और किंग को फाउंटेन ऑफ जस्टिस माना जाता था। अच्छा, जो टेम्पल्स को ये लोग लैंड ग्रांट देते थे उसको हम लोग देवधन बोलेंगे क्योंकि देवताओं को दे रहे हैं, और जो ब्राह्मण को ये लोग लैंड ग्रांट देते थे उसको ब्रह्मदेय बोलेंगे। दोनों टैक्स फ्री होगा, राइट, दोनों टैक्स फ्री होगा, देवधन देवधन और ब्रह्मदेय। और राजा था वो इरिगेशन की फैसिलिटीज करता था, लैंड में इरिगेशन है और उसकी इंप्रूवमेंट करती है करनी है, ये सब राजा देखता था। अच्छा, जो बाकी होगा ब्रह्मदेय और देवधान के अलावा जो लैंड होगी उस पर टैक्स लगेगा, लैंड रेवेन्यू मेन सोर्स ऑफ इनकम। नंबर ऑफ इरिगेशन टैंक्स वर डग ड्यूरिंग द पल्लव किंग्स, द इरिगेशन टैंक्स एट महेंद्रवर्दी ममनदूर, ये सब डिस्कस हो चुका है, महेंद्रवर्दी ममनदूर वो महेंद्र वर्मन वन ने बनवाया था। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और टैक्स सिस्टम जो है वो आपको पल्लव इंस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। लैंड टैक्स जो है मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम था, लेकिन ब्रह्मदेय और देवधन मैंने पहले बताया वो एग्जेम्प्टेड रहेगा टैक्स से। ट्रेडर्स, आर्टिसंस, कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ, वाशरमैन, ऑयल प्रेसर्स, तेली वीवर्स पेड टैक्सेज टू द गवर्नमेंट। पल्लव इंस्क्रिप्शन थ्रो मच लाइट ऑन द विलेज असेंबलीज। विलेज असेंबलीज होती थी जैसे अभी ग्राम सभा है ना, उस टाइम पे भी था सभाज, और सभाज में जो थी सभा जो मिलके आपस में डिसीजन लेती थी, सभा की कई कमेटी बनी हुई थी बनी हुई होती थी। द मेंटेन्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल विलेज लैंड्स, लुक्ड आफ्टर लोकल अफेयर्स एंड मैनेज टेम्पल्स ऑल्सो। सोसाइटी कैसी थी? द तमिल सोसाइटी जो थी उसने कई चेंज विटनेस किए पल्लव डायनेस्टी के टाइम पे, चूंकि ब्राह्मण डायनेस्टी है, ब्राह्मण नहीं सॉरी मतलब ब्राह्मणिज्म को बढ़ावा देने वाली डायनेस्टी है, तो कास्ट सिस्टम जो था वो रिजिड हो गया। ब्राह्मण्स को एक बहुत ऊंचा प्लेस मिला सोसाइटी में, उनको लैंड ग्रांट मिल ही रहे हैं ब्रह्मदेय वाले, देवधन भी वाला तो वही यूज कर रहे हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते थे कि टेम्पल्स को हम ही देखेंगे। इसी टाइम पे सैविज्म और वैष्णविज्म का उदय हुआ, बुद्धिज्म और जैनिज्म का डिक्लाइन हुआ। ये देखिए वो नयनार और अलवार जो थे ना इसी टाइम पे उदय हुआ था उनका, तो नयनार और अलवार का इसी टाइम पे उदय हुआ था। तो नयनार जो थे वो शिव की पूजा करते थे, अलवार जो थे वो वैष्णव थे, उन्होंने वैष्णविज्म और सैविज्म की बढ़ावे में मदद की। दिस इज नोन एज भक्ति मूवमेंट, इसी को बोलते हैं। और इसी टाइम पे तमिल का भी उदय हुआ क्योंकि उन्होंने अपना कंपोजिशन जो था नयनार और अलवार ने वो तमिल में किया था। इन हिम से हमें ये रिवील होता है कि भक्ति के प्रति और डिवोशन के प्रति बढ़ावा मिला इसी टाइम पे, क्योंकि राजा ने संरक्षण दिया ना इन लोगों को, नयनार और अलवार को, उनके फॉलोअर भी इन्फेक्ट हो गए कई राजा तो। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाई द पल्लव किंग्स पेव द वे फॉर द स्प्रेड ऑफ द दिस टू रिलीजन्स, ये नायनार और अलवार वाला। एजुकेशन और लिटरेचर की बात करें तो पहले ही हमने पढ़ा है कि कौन आया था यहाँ पे, जुएन जंग आया था घटिका ने, घटिका में, तो कांची में जो घटिका थी वो एजुकेशन का सेंटर थी, कांचीपुरम जो था वो एजुकेशन का सेंटर था, पॉपुलर था, स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड भी वहाँ पे आते थे, जुएन जंग ही हो गया अब्रॉड वाला। द फाउंडर ऑफ द कदम्ब डायनेस्टी, एक मैप में मैंने आपको दिखाया था कदम्ब डायनेस्टी वगैरह, तो कदम्ब डायनेस्टी का फाउंडर जो था मयूर शर्मा था, उसने भी वेदा की स्टडी यहीं पे की थी आके कांची में, मयूर शर्मा। अच्छा, दीन गंगा एक बुद्धिस्ट राइटर था वो भी कांची में आया था, दीन गंगा। दांडिन का एक हमने पढ़ा था वो किसी के कोर्ट में था, ये दीन गंगा है, दांडिन संस्कृत का स्कॉलर था, दीन गंगा बुद्धिस्ट राइटर था वो भी कांची में आया था। धर्मपाल जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी का बाद में हेड बन गया वो भी बिलोंग टू कांची, वो भी कांची से था। अच्छा, भारवी एक ग्रेट संस्कृत का स्कॉलर था वो सिंह विष्णु के टाइम पे था, वो भी यहीं पे रहता था। दांडिन हमने पहले भी पढ़ा, दांडिन अनादर संस्कृत स्कॉलर राइटर अडॉन द कोर्ट ऑफ नरसिंह वर्मन टू। महेंद्र वर्मन वन कंपोज्ड द संस्कृत प्ले मत्त विलास प्रहासनम, ये हमने पढ़ चुके हम लोग पहले। तमिल लिटरेचर इसी टाइम पे डेवलप हो रहा है, लास्ट पेज जो था ना इनका पल्लव का उस टाइम पे तमिल जो है वो डेवलप होने लगी। नयनार से नलवार कंपोज रिलीजियस, देखिए वही चीजें रिपीट हो रही है इसलिए टाइम बचता है पहले एक बार डिस्कस कर लेने में। अच्छा, देवरम जो था वो नयनार्स ने कंपोज किया था, पूरी किताब है उनकी। और नलियारा दिव्य प्रबंधम, दिव्य प्रबंधम ही हम लोग याद रखते हैं जनरली। देवरम जो था वो नयनार का था और दिव्य प्रबंधम जो था वो अलवार का था।
दोनों पल्लव पीरियड में कंपोज हुए थे तमिल में। पेरू देवनार वाज पेट्रोनाइज बाय नंदी वर्मन टू, उसी के बीच में पल्लव डायनेस्टी में एक नंदी वर्मन टू था, उसने पेरू देवनार को पेट्रोनाइज किया था। पेरू देवनार ने क्या किया, महाभारत को भारत वेनबा बोल के तमिल में ट्रांसलेट कर दिया, भारत वेनबा, पेरू वेनबम ने बनाया था महाभारत से। इसके अलावा नदी कलम्बगम वाज अनादर इम्पॉर्टेंट वर्क, लेकिन इसके ऑथर के बारे में नहीं पता है। म्यूजिक और डांस भी डेवलप हुए थे। पल्लव आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमने पहले एक्चुअली देख लिया है, अब चीजें बहुत इजी होंगी। तो पल्लव आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में ये है कि ये जो पूरा एरा था वो टेम्पल बिल्डिंग का एरा था। पल्लवास इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ एक्सकेवेशन टेम्पल्स फ्रॉम द रॉक, किसने किया होगा, महेंद्र वर्मन वन ने किया था। इनफैक्ट द ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो था पूरा ड्रेविडियन, वो पल्लवा रूल के अंदर ही डेवलप हुआ है, वहीं से शुरुआत हुई है। अच्छा, ये ग्रेजुअल इवोल्यूशन था मोनोलिथिक रथा से स्ट्रक्चरल टेम्पल बनने के बीच में, हम पढ़ चुके हैं महेंद्र वर्मन वन, नरसिम्ह वर्मन वन और नरसिम्ह वर्मन टू, इनके तीनों के बीच में टेम्पल का इवोल्यूशन हुआ है। महेंद्र वर्मन वन ने जितने भी स्ट्रक्चर बनाए थे वो रॉक कट थे, मोर्टार वगैरह कुछ यूज नहीं किया था। नरसिम्ह वर्मन वन ने थोड़े बहुत मोनोलिथिक रथास बनाए थे, और पूरा जो वो होता है उसका जेनिथ जो होती है वो नरसिम्ह वर्मन टू के टाइम पे आई, और फाइनली कल्मिनेशन हो गया स्ट्रक्चर टेम्पल का इस टाइम पे। और पल्लवा को फोर स्टेज में वही चीज को इन्होंने डिस्कस किया है, महेंद्र वर्मन वन इंट्रोड्यूस द रॉक कट टेम्पल्स, दिस स्टाइल ऑफ पल्लव टेम्पल्स कैन बी फाउंड इन मंडकपट्टू, 10 बार डिस्कस कर चुके, महेंद्र वर्दी, ममंदूर, दलावनूर, तिरुचरापल्ली, वल्लम, सियामंगलम, तिरुकला कुन्नरम। द सेकेंड स्टेज ऑफ पल्लव स्ट्रक्चर इज आर्किटेक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाई द मोनोलिथिक रथास एंड मंडपास फाउंड एट ममलापुरम। नरसिम्ह वर्मन ममलापुरम को ममला ने इस्टेब्लिश किया था, नरसिम्ह वर्मन वन ने रथावज वगैरह बनाए थे। नरसिम्ह वर्मन वन टुक द क्रेडिट ऑफ दिस वंडरफुल आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स। द फाइव रथास पॉपुलरली कॉल्ड द पंच पांडव रथास, भीम रथा वगैरह भी पढ़ा था ना आपने, अर्जुना रथा वगैरह, वही चीज तो है, आपने तो इमेज देख ली है। सिग्निफाइज फाइव डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। द मंडपास कंटेन ब्यूटिफुल स्कल्पचर्स ऑन इन वॉल पे, स्कल्पचर भी मिल जाएंगे आपको, वो भी पढ़ा ना अर्जुनास पेनेंस और ये डिसेंट ऑफ द गंगेज। द मोस्ट पॉपुलर ऑफ दिस मंडप्स आर महिषासुर मर्दिनी, पढ़ चुके हैं आप, तिरुमूर्ति मंडप और वराह मंडप सब देख लिया आपने। इन द नेक्स्ट स्टेज राजसिम्हा आ गए, जो कि नरसिम्हा वर्मन टू हैं, उन्होंने स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनवाने शुरू किए। कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में ये उन्होंने बनवाया था, अच्छी इमेज देखी आपने। दिस टेम्पल्स वर बिल्ट यूजिंग द सॉफ्ट सैंड रॉक्स, सॉफ्ट सैंड रॉक्स। द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची एंड द शोर टेम्पल एट ममलापुरम रिमेन द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द अर्ली स्ट्रक्चरल टेम्पल्स ऑफ द पल्लवाज। द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची इज द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल मास्टर पीस ऑफ द पल्लवा आर्ट, बहुत सुंदर है। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब क्या है उसके सामने, ताजमहल। द लास्ट स्टेज ऑफ पल्लवा आर्ट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई स्ट्रक्चरल टेम्पल बिल्ट बाई द लेटर पल्लवाज, वो भी थोड़े बहुत तो स्ट्रक्चरली बनाएंगे ना, फिर तो पहाड़ तो नहीं खोदने लगेंगे। तो उसमें आता है एक वैकुंड पेरुमल टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल और मतागनेश्वर टेम्पल कांचीपुरम में बनाए गए थे। कौन कौन से, वैकुंड पेरुमल टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल और मतागनेश्वर टेम्पल कांचीपुरम में ही बनाए गए हैं लास्ट स्टेज में पल्लवाज के। शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम क्या ही देखे, अब क्या ही कर सकते हैं। द पल्लवाज हैड ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ स्कल्पचर, अपार्ट फ्रॉम द स्कल्पचर फाउंड एट द टेम्पल्स, ओपन आर्ट गैलरी एक मिलती है हमें महाबलीपुरम में, टेम्पल पे तो मिलेगा ही, एक अलग से ओपन आर्ट गैलरी भी है स्कल्पचर्स की, वो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट है इस टाइम का। डिसेंट ऑफ द गंगेज और पेनेंस ऑफ द अर्जुना इज कॉल्ड ए फ्रेस्को पेंटिंग इन स्टोन। अब ये हमने डिसेंट ऑफ द गंगेज और पेनेंस ऑफ द अर्जुना तो 10 बार पढ़ लिया, लेकिन ये क्या है, किस टाइप का है, फ्रेस्को पेंटिंग इन स्टोन है, ये याद रख लो आप यहां से। अच्छा, लाइव स्पीकिंग मंकी भी है, एलिफेंट ऑफ ह्यूज साइज दिखेगा यहाँ पे, एसेटिक, ये बोला था ना मैंने, एक एसेटिक कैट को दिखाया है स्टैंडिंग इरेक्ट, वो पूजा कर रही है, तो ये सब पता चलता है यहाँ पे हमें आर्किटेक्चर में। ये यूपीएससी में आ जाएंगे ये, कि ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, सही से बताना पड़ेगा। फाइन आर्ट, अच्छा, म्यूजिक डांस और पेंटिंग भी डेवलप हुआ था, ठीक है। ममंदूर इंस्क्रिप्शन आप चले जाओ, पहले डिस्कस किया है ना, महेंद्र वर्मन वन का एक ममंदूर इंस्क्रिप्शन, उसमें बताते हैं कि वो म्यूजिक वगैरह के नोट्स वगैरह मेंशन करते हैं। तो द ममंदूर इंस्क्रिप्शन कंटेन्स ए नोट ऑन द नोटेशन ऑफ वोकल म्यूजिक। इसके अलावा कुडू मिया मलाई, वो अगेन महेंद्र वर्मन वन का इंस्क्रिप्शन, रेफर टू म्यूजिक नोट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। कुडुमिया मलाई और ममंदूर म्यूजिक की बातें कर रहे हैं, कुडुमिया मलाई और ममंदूर म्यूजिक की बातें कर रहे हैं, दोनों महेंद्र वर्मन वन ने खुदवाया है।
अलवार्स और नयनार्स ऑब्वियसली उन्होंने तमिल में अपने नोट्स वगैरह कंपोज करने शुरू किए थे, इसी टाइम पे डेवलप हुए थे। डांस और ड्रामा भी डेवलप हुआ था। द स्कल्पचर्स ऑफ दिस पीरियड डिपिक्ट मेनी डांसिंग पोस्चर्स। इस टाइप का पूछेगा कि क्या यहाँ पे डांस मिलता है? हाँ है भाई। सीता वनसाल केव हमने पहले शुरू में इमेज देख लिया था, सीता वनसाल, सीता नवसाल पेंटिंग, वो महेंद्र वर्मन वन जब वो जैन में थे ना, जैनिज्म में थे, तब पहला उन्होंने बनवाया था। बाद में बुद्धिस्ट मॉन्क ने उस पे आके काफी अपनी पढ़ाई वढ़ाई और रहने वहने का विहार वगैरह बना लिया, बट शुरुआत की थी सीता वनसाल की महेंद्र वर्मन वन ने। द कमेंट्री कॉल्ड दक्षिण चित्र वॉज कंपाइल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ महेंद्र वर्मन वन हु हैड द टाइटल ऑफ चित्र करपुली। मतलब चित्र से रिलेटेड जितना भी आएगा ना, दक्षिण चित्र हो, चित्र करपुली हो, विचित्र चित्र हो, ये सारे महेंद्र वर्मन वन के होंगे। नरसिम्हा वर्मन वन का इतना ही है कि उन्होंने अपने आप को मम्मला बोला, पुलाकेशिन से बदला लिया, मतापी कोंडा बोला और मम्मलापुरम बसाया। फिर महाबलीपुरम का पूरा डेवलपमेंट तो अपने नरसिम्हा वर्मन टू या राजसिम्हा ने किया। बहुत इजी चैप्टर था, याद हो गया होगा आपको, और नहीं याद हो तो क्या ही कर सकते हैं, रिवीजन यही कर सकते हैं। थैंक यू।